औरत सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से करती है? स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना। दोस्तों, आपने राजा भर्तरी और विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा, जो मालवा के महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे। गंधर्व सेन की दो पत्नी थी, एक से भर्तरी का जन्म हुआ और दूसरी से विक्रमादित्य का। राजा का बड़ा पुत्र होने के नाते भर्तरी को मालवा का राजा बनाया गया। विक्रमादित्य उनके शासन में मंत्री के पद पर नियुक्त होकर उनकी मदद करते थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। भर्तरी राजा बनकर राज चलाने लगे, पर वो एक कहावत है कि कुछ लोग शासन सत्ता पाकर मद में, भोग विलास में डूब जाते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ये माया कुछ इस तरह खींचती है, अपनी ओर के मनुष्य बस उसी का होकर रह जाता है। महाराज भर्तरी की भी कुछ यही हालत बन गई। उन्होंने कई सुंदर सुंदर युवतियों से विवाह किए और उस भोग विलास के दलदल में पड़े रहते थे। राजा का अधिकतर समय अपनी रानियों के बीच गुजरता था। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य उनके इस कृत्य से बहुत नाराज रहते थे। मंत्री होने के नाते उन्हें कभी कभी राज्य कार्य हेतु महाराज के पास उनके अंतापुर में जाना पड़ता था, तो वहां भर्तरी को उनकी रानियों के बीच देखकर वे लज्जा से भर उठते थे। पर कहते हैं ना, कामी पुरुष मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश का विचार भूल जाता है। वो काम पिपासा में अपने पराये को भूल जाता है। उसको समझाने वाला उसका हितैषी शत्रु लगने लगता है। विक्रमादित्य ने राजा भर्तरी को कई बार चेतावनी दी कि यदि वे इस दलदल से बाहर नहीं निकले तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य की धमकी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा वे विक्रमादित्य से ही बिगड़कर बोले, तुझे जाना है तो चला जा, परंतु मैं अपनी रानियों से दूर नहीं रह सकता। जिस तरह कौवा को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उसी तरह कामी को ना रात में दिखता है न दिन में। विक्रमादित्य अपने भाई से नाराज होकर मंत्री पद त्याग कर जंगल में चली गई। अब तो राजा भर्तरी और भी ज्यादा विलासी होता चला गया, क्योंकि कोई रोकटोक करने वाला, समझाने वाला नहीं रहा। राजकार्य बाधित होने लगे। जब भी किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होती थी, पता चलता था कि राजा तो आज दरबार में ही नहीं आए। उन्हें प्रजा की चिंता से अधिक उन सुंदरियों की चिंता रहती थी, जो हर समय अपने रूप और यौवन से उन्हें रिझाती रहती थी। राज्य अधिकारियों को और पहरेदारों को जब कोई काम आ जाता था तो उन्हें रानियों के अंतापुर में ही आना पड़ता था। इधर राजा भर्तरी अपनी रानियों के साथ सुंदर सुंदर युवतियों से घिरे हुए रासलीला करते हुए मिलते थे। जब भी उन्हें किसी जरूरी कार्य के लिए बाहर जाना होता था तो वे बड़े ही बेमन से जाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण आया और उसने राजा से जरूरी मिलने का आग्रह किया। नौकर के कहने पर राजा अपने रनिवास को छोड़कर ब्राह्मण से मिलने आया। ब्राह्मण ने अपनी झोली से एक फल निकालकर राजा को दे दिया और कहा, राजन, मैंने अपनी बरसों की तपस्या से यह फल सिद्ध किया है। यह कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, बड़ा ही विचित्र और अद्भुत फल है। यह फल खा लेने पर मनुष्य पूरे 100 वर्ष तक जवान और हष्टपुष्ट बना रहता है। तुम यहां के राजा हो और यह फल तुम्हारे बहुत काम की चीज है। तुम इस फल को खा लो तो सदैव जवान और सुंदर बने रहोगे। राजा उस फल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण तो राजा को फल भेंट करके वहां से चला गया, लेकिन राजा भर्तरी वो विचित्र फल लेकर अपनी रानियों के पास अंतापुर में लौट आए। सब सुंदरियां चाहती थी राजा अधिक से अधिक समय उनके पास गुजारे, लेकिन राजा सबसे अधिक अपनी रानी अनंग सेना और पिंगला को चाहता था। अनंग सेना राजा की सबसे सुंदर रानी थी, जिससे वो अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता था। राजा सब रानियों को छोड़ता हुआ वो फल लेकर सीधे रानी अनंग सेना के कमरे में पहुंचा। रानी ने राजा का स्वागत किया। राजा ने मुस्कुराते हुए वो फल रानी अनंग सेना के हाथों में रख दिया और कहा कि प्रिय, ये फल मैं तुम्हें प्यार स्वरूप भेंट कर रहा हूं। इस फल को खाने से तुम पूरे 100 वर्ष तक सुंदर और जवान बनी रहोगी। तुम्हारा रूप और यौवन सदा यूं ही मुझे आकर्षित करता रहेगा। मैं तुम्हें देख देख कर जीता रहूंगा।
हे रानी, तुम मुझे पिंगला से भी ज्यादा प्रिय हो, इसलिए यह भेंट मैं आपको दे रहा हूं। अनंग सेना ने वो फल लेकर रख लिया और बोली, मैं किसी समय इसे खा लूंगी। उसके बाद वो राजा भर्तरी के साथ प्रेम क्रीड़ा करने लगी। अर्धरात्रि तक राजा भर्तरी अनंग सेना के कक्ष में रहे। उसके बाद वे रानी पिंगला के कक्ष में चले गए। राजा भर्तरी पिंगला से भी बहुत प्रेम करते थे। रानी अनंग सेना को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वे उसे छोड़कर किसी और स्त्री से मिलने जाए, और ये तो आप जानते ही हैं कि एक स्त्री ये कभी नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरी स्त्री से मिले। स्त्री दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत यदि वो किसी से करती है तो वो होती है उसकी सौत। एक सुंदर स्त्री कभी दूसरी सुंदर स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। दूसरी बात, वो सबसे ज्यादा नफरत उससे करती है जो उसके प्रेम में बाधक होता है। यदि स्त्री प्रेम क्रीड़ा कर रही हो और कोई उसमें व्यवधान डाले तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तीसरा, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु उसे मानती है जो उसके कामों की प्रशंसा की जगह निंदा करता हो। राजा भर्तरी जब पिंगला के कक्ष में चले गए तो अनंग सेना को सारी रात नींद नहीं आई। सोचने लगी कि इसका मतलब राजा साहब मुझसे अधिक पिंगला से प्रेम करते हैं, मुझे ये फल देकर राजा ने बहला दिया है। वो रात्रि में अपने कक्ष के बाहर टहल रही थी। अचानक उसकी नजर राजा की पहरेदार एक सैनिक चंद्रचूड़ पर पड़ी, जो रात्रि में वहां पहरा दे रहा था। हट्टे कट्टे नौजवान को देखकर रानी अनंग सेना के मन में उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। वो प्रेम एक वासना का प्रेम था। अनंग सेना ने सोचा कि जिस तरह राजा अन्य स्त्रियों के साथ रमण करता है तो मैं भी आज अन्य पुरुष के साथ रमण करूंगी। उसने इशारा करके सैनिक को अपने कक्ष में बुला लिया। सैनिक भी उसके प्रेम रूप और यौवन के जाल में फंस गया। अब तो वो रोजाना राजा की अनुपस्थिति में रानी के साथ रमण करता था। रानी अनंग सेना ने वो फल उसी सैनिक को दे दिया और बोली, प्राणनाथ, मेरे शरीर पर तो और का भी अधिकार है, लेकिन मन पर सिर्फ तुम्हारा। ये फल मैं तुम्हें दे रही हूं, इसे खाकर तुम पूरे 100 वर्ष तक जवान और हष्टपुष्ट बने रहोगे। मैं तुम्हें देख देख कर जीती रहूंगी। सैनिक रानी से वो फल लेकर चला गया। उसका प्रेम एक रूपलेखा नाम की वेश्या से था। वो वेश्या भी उस सैनिक पर दिलो जान से मरती थी और वो सैनिक भी उस वेश्या से बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा, रानी का क्या पता, जब उसका जी भर जाए तो वो उसे कभी भी ठुकरा सकती है, लेकिन ये वेश्या उसे कभी नहीं ठुकराएगी। यही सोचकर उसने वो फल रूपलेखा नाम की अपनी प्रेम का वेश्या को दे दिया और उस फल की विशेषता समझा दी। रूपलेखा ने वो फल लेकर छुपा कर रख दिया। राजा भर्तरी ने एक दिन उस वेश्या को देख लिया तो वे भी उसके रूप पर लट्टू हो गए। उन्होंने वेश्या से मिलने का निश्चय किया। वेश्या ने जब सुना कि राजा साहब उसके रूप पर लट्टू हो गए हैं तो वो भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वो अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझने लगी। सोचा कि यदि राजा उसका भोग करेगा तो वो उनकी प्रियसी बन जाएगी और वेश्या होने का कलंक खत्म हो जाएगा। राजा जब उससे मिलने गया तो राजा का दिल जीतने के लिए उसने वही फल राजा को भेंट कर दिया और कहा, राजन, ये फल बड़ा ही चमत्कारी है, इसे खाने वाला पूरे 100 वर्ष तक रूप और यौवन से संपन्न रहता है, सदा जवान रहता है। मैं चाहती हूं कि आप इस फल को खाकर सदा जवान बने रहे। वेश्या के हाथों उसी फल को निहार कर राजा पहचान गया कि ये तो वही फल है जो उसने अपनी रानी अनंग सेना को दिया था। राजा के शरीर में एकदम से बिजली सी दौड़ गई। राजा एकदम कंपित हो उठा। उसने तलवार खींची और वेश्या को धमकाते हुए बोली, ये फल तुझे किसने दिया? राजा का विकराल रूप देखकर गणिका भयभीत हो गई। उसने कांपते हुए राजा को फल देने वाले का नाम बता दिया कि तुम्हारी रानी के महल का जो पहरेदार है चंद्रचूड़, उसी ने यह फल मुझे दिया है। राजा ने तत्काल चंद्रचूड़ को बुलवाया और वो फल उसे दिखाते हुए पूछा कि ये फल तुझे किसने दिया था? सच सच बताना, वरना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा को यमराज के समान क्रोध में देखकर सैनिक भी थरथर कांपने लगा। उसने राजा भर्तरी को उनकी रानी अनंग सेना की सारी बात बता दी कि आपकी रानी आपसे अधिक मुझसे प्रेम करती है, उन्होंने ही ये फल मुझे उपहार में दिया था। रानी का नाम सुनते ही राजा क्रोध से पागल हो गया। वो फल लेकर राजा तुरंत
रानी के महल में पहुंचा और वो फल ले जाकर रानी के मुंह पर दे मारा। राजा का कोप देखकर रानी सहम गई और वो फल देखकर तो मानो आकाश ही फट गया हो। राजा ने रानी को भला बुरा कहते हुए कहा, रानी तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, पर तुम तो एक नौकर के प्रेम में पड़ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, धिक्कार है तुम्हारे लिए। राजा के जाने के बाद रानी अनंग सेना बहुत लज्जित हुई। उसने कायल होकर स्वयं को कमरे में बंद करके आग लगा ली। राजा भर्तरी की सोच उसी दिन से बिल्कुल बदल गई। जिस दिन जिस रानी को वे प्राणों से प्यारा मानते थे उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। अब तो राजा का मन स्त्रियों को लेकर नफरत से भर गया। धीरे धीरे कुछ समय बीता। राजा अपने रनिवास में बहुत कम जाते थे। पिंगला ने सोचा कि मैं राजा साहब को धीरे धीरे सही रास्ते पर ले आऊंगी। पिंगला राजा भर्तरी को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के मन में कोई अंतर नहीं डाल पाई। एक दिन राजा जंगल में गए, बहा उन्होंने देखा कि एक मृग को एक शिकारी ने बाणों से बीन डाला है। मृग के मरने पर उसकी मिर्गी भी उसके साथ मर गई। राजा के दिमाग में झटका लगा कि ये मिर्गी पशु होकर भी पत्नी धर्म निभा गई। मेरी स्त्रियां तो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, क्या वो मेरे मरने पर मर सकती हैं? राजा ने पिंगला को आजमाने का फैसला किया और अपने नौकर से झूठी खबर भिजवाई कि आखेट करते समय राजा को शेर ने मार डाला। कुछ रक्त से भिगोकर राजा ने अपने वस्त्र उतार कर दे दिए। राजा के मरने की खबर सुनकर पिंगला ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। ये सुनकर कि उनकी रानी पिंगला उनकी झूठी खबर पर मर गई है, राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचने लगे, बाहरे नारी। नारी का एक रूप वो भी था जिसने पति के रहते दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया। नारी का एक रूप ये भी है कि पति के मरने की झूठी खबर सुनकर ही प्राण त्याग दिए। नारी को समझना कितना कठिन है। नारी देवी भी है, नारी वेश्या भी, नारी श्रृंगार भी है, नारी वैराग्य भी, नारी नीति भी है, नारी धोखा भी। यह देखकर राजा को वैराग्य हो गया। उन्होंने तुरंत राजसी वस्त्र उतारे और सन्यासी बनकर जंगल में चले गए और गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर योग साधना की दीक्षा ले ली। भर्तरी की जगह विक्रमादित्य को बुलाकर उनके सिंहासन पर आरूढ़ किया और धर्म कर्म के साथ राजा विक्रमादित्य राज्य करने लगे। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।